इजीली अपने लैपटॉप से आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे आपका डिवाइस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपको इनपुट यहाँ पर दिया हुआ है टैबलेट का, तो इनपुट हमने यहाँ पे करा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक डिवाइस जो वॉकम कंपनी की तरफ से है और ये पेन टैबलेट हम लोग आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ ही हम लोग देखेंगे ये डिवाइस कैसे हमारे टीवी या हमारे लैपटॉप को ये स्मार्ट बोर्ड बना देगा। और आपको अगर ऑनलाइन टीचिंग करना है और ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं आप, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंड अगर आपको ग्राफिकल काम करना है तो भी ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और मैं अभी इसका अनबॉक्सिंग करके इसको यूज़ करूँगा और इसका प्राइसिंग वगैरह सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा, कैसे यूज़ करना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, सारी प्रोसेस इस वीडियो में आपको मिलेंगी। इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देखिएगा और लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा। चलिए हम लोग इसको अब स्टार्ट करते हैं कैसे इस पर काम किया जाए। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं एंड ओपन करने के बाद छोटा सा हमारे पास एक टैबलेट के तरह का एक पैड मिलता है, पेन टैबलेट इसका नाम है। आप जाके अमेज़ोन पे भी सर्च कर सकते हो, इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसे परचेस कर सकते हो। तो ये फर्स्ट लुक आप यहां पे देख सकते हैं कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छा पैकिंग है इस डिवाइस का। और जैसा आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का आपके पास पेन टैबलेट है जो वॉकम कंपनी की तरफ से हमें मिलता है और काफ़ी अच्छा और प्रीमियम और बिल्ड क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है। और बहुत सारी कंपनीज़ अनअकैडमी और अटैचमेंट्स, बहुत सारी कंपनी इसी पेन टैबलेट का इस्तेमाल करती है ऑनलाइन टीच करने के लिए। अगर आप भी सोच रहे हो कि मैं ऑनलाइन टीच करूं, तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है अपने लैपटॉप या अपने पीसी कंप्यूटर पे ऑनलाइन स्केच एंड पेन टूल को यूज़ करने के लिए, ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए। तो चलिए हम लोग इसको भी ओपन करते हैं एंड इसके साथ हमारी कुछ हमें एक पेन भी मिलता है हमें इसके साथ, जिससे कि हम लोग लिखना शुरू करेंगे, इसी से हम लोग लिखेंगे। और ये भी काफ़ी अच्छा है और पेन बहुत अच्छा लग रहा है हाथ में, फिट हो जा रहा है हाथ में। तो आप देख सकते हो इसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और कंप्लीट आप इस वीडियो को देखें ताकि हम लोग आगे इसमें अच्छा से कर पाएँ। इसके साथ एक मैनुअल गार्ड मिलता है, इसे हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। और एक हमें डेटा केबल मिलता है जिससे हम इसको पीसी और इस डिवाइस को हम आपस में कनेक्ट करेंगे। साथ ही आपको यहाँ पर एक चीज़ और मिल जाता है जो है आपको एक तीन आपके पास पेंसिल दिया हुआ है, जो ये पेंसिल आप देख सकते हो, इसे हम लोग निकाल करके वापस अगर ये काम करना बंद कर दे या इस छोटा हो जाए या ख़त्म हो जाए तो हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, टूट जाए। और यहाँ पे इसको निकालने के लिए एक हमारे पास पिन भी मौजूद है और काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी है, तो इसको भी फिलहाल हम लोग साइड रखते हैं क्योंकि अभी ये नया है तो अभी अपने पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी पेन टूल की हमें आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग इसे साइड करते हैं इस डब्बे को और ये डब्बा अब आप साइड हो जाओ और हम लोग अब चलते हैं अपने मेन डिवाइस के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटली अगर देखा जाए ना तो आपको पेन टैबलेट में एक पेन मिलता है, उसके साथ आपको एक सुंदर सा ये पेन टैबलेट मिलता है, ये भी आप ले सकते हो। और आपके पास एक केबल मिलता है जो आपके साथ ही, तीन चीज़ आपको टोटली मिलता है और कुछ छोटे मोटे एसेसरीज भी और भी है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसका काम देखा जाए एंड इसके लिए कौन कौन सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे हम पढ़ाएंगे और मैं कैसे पढ़ाता हूँ इस वीडियो में मैं लाइव आपको समझाऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी। और कैसे आप यूट्यूबर बन सकते हैं, यूट्यूब में आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ा सकते हैं इस डिवाइस के हेल्प से। तो चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं बिना देरी किए। तो एक बार इसको हम लोग यहाँ से पूरी तरह से ओपन करते हैं डब्बे को और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक सुंदर सा आपको टैबलेट मिल जाता है। चलिए हम लोग रैपर को साइड करते हैं और देखिए बहुत ही सुंदर और एक अच्छा बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ से मिलता है। तो इसे हम लोग यहाँ पर साइड रखते हैं और वापस से हम लोग केबल को भी एक बार आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं पीसी से। तो आप इसको इजीली अपने लैपटॉप से आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर आपका डिवाइस में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपको इनपुट यहाँ पर दिया हुआ है टैबलेट का, तो इनपुट हमने यहाँ पे करा।
और इनपुट करने के बाद यहाँ पर आपको लाइट एक जलता हुआ दिखाई देगा, जिससे कि हम ये समझ जाएंगे हमारा डिवाइस अब ऑन हो चुका है। सो अब हम लोग इसको थोड़ा साइड रख करके हम लोग वापस से इसमें हम लोग अब काम शुरू करेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर अपने पीसी पे आते हैं और इसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे, एक सॉफ्टवेयर है ओपन बोर्ड, तो हम लोग ओपन बोर्ड गूगल में सर्च करेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग ओपन बोर्ड में सर्च करने के बाद हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये इस लिंक पर हम क्लिक करके ओपन बोर्ड नाम का जो सॉफ्टवेयर है, यहाँ से जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस या विंडोज़ या यूबंटू, तो आप जो आपको सूटेबल लगे आप डाउनलोड कर लो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करा हुआ है। सो हम लोग यहाँ से अभी सीधा हम ओपन बोर्ड को ओपन करेंगे। आप यहाँ से डाउनलोड करके ईजिली इंस्टॉल कर लेना, आपका आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा और वो काम भी करेगा। चलिए हम क्रोम को बंद करते हैं और मेरा यहाँ पे ओपन सॉफ्टवेयर जो आपको यहाँ पर अभी दिख रहा होगा, इस जगह से हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर हमारा अब ओपन सॉफ्टवेयर हमारा ये खुल चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी डैशबोर्ड पे हम अब लिखना शुरू करेंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि हमारी स्क्रीन पर अभी एक ब्लैक स्क्रीन है। तो आइए हम कुछ फीचर्स को सीखते हैं इसे कैसे लिखा जाए। जैसे आपका ये जो अभी पॉइंटर है, जो आपका कर्सर हुआ करता था या पॉइंटर हुआ करता था, अब वो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डॉट में बदल गया है। अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप पेन टूल पे यहाँ पे आप लिखना चाहते हो एपिक्सा, तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे आप यहाँ पे एपिक्सा लिख सकते हो। यहाँ से आप एकदम पेन की तरह आप इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी आपकी हैंड राइटिंग पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसे ऑनलाइन अभी मतलब पहली बार आप इसका प्रैक्टिकल कर रहे हो। मैं भी इसका प्रैक्टिकल पहली बार कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि मुझे अब इस पर कमांड करना पड़ेगा और उसके बाद ही मेरी राइटिंग अच्छी हो पाएगी। सो मैं अभी इसका प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि और भी अच्छा राइटिंग मेरा हो जाए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे और भी फीचर्स के बारे में समझाते हैं। आइए काफ़ी आपको कमाल इंटरेस्टिंग फेस मिलेगा। आप यहाँ पर गौर से देखो, अगर मैं इसे टच करके टाइप मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, तो यहाँ पे आपका ये कंटेंट यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा ऊपर से आप इसको आप स्लाइड करोगे आप कोई भी एरिया में, तो देखो आपका पॉइंटर मूव कर रहा है। देखो आप अगर थोड़ा सा इसमें टच नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हो मैं इसे टच नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे ऊपर में मैं क्या कर रहा हूँ, होवरिंग कर रहा हूँ। तो देखो मेरा पॉइंटर यहाँ पे घसक रहा है, मतलब ये माउस के तरह भी काम करेगा और टच करने पर यह क्लिक की तरह भी काम करेगा। अब यहाँ पे देखो मैं आपका यहाँ पे कलर आके चेंज कर रहा हूँ, मैंने क्लिक करा वहाँ पे, देखो मेरा यहाँ पे आपका पेंट लगा, मेरा कलर यहाँ पे चेंज हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे मान लो आपको कुछ इरेज करना है, तो यहाँ पे आप आके इरेज कर लो, सारा हट जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास कुछ बैकग्राउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं बैकग्राउंड्स। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं क्लिक करके अपने पास एक से एक तरीका का बैकग्राउंड है, इजिली आप यहाँ पे जाके अपना बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, जो पसंद है उस तरह से आप ग्रिड लाइंस को आप कर सकते हो। सो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और एक बार आप हमारे स्क्रीन को भी यहाँ से देख लीजिए और मैं इसी जगह पर आकर के मैं पढ़ाता हूँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करके अपना प्यार हमें दें, सपोर्ट दें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। सब लोग मिलते हैं किसी अगले अच्छे वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय।